الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه عمل لما بعد الموت आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहान आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहान एक मट्टी की इमारत एक मट्टी का मकान गारा इसका खून है गारा इसका खून है और ईंट इसकी हड्डियाँ चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याल आसमां मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी ये इमारत टूट कर जल्द गिर जाएगी जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है हम्द व सना के बाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया साकी कौसर शाफ़े महशर शफ़ीउल मुज़निबीन और रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलि वसल्लम की ज़ात पाक के लिए है जो आयत करीमा तिलावत की है उसके अंदर अल्लाह ने मौत का ज़िक्र किया है और कायनात के लोगों को एक चैलेंज दिया है कि तुम अगर ज़ोर लगा सकते हो तो लगा लो भाग सकते हो भाग जाओ जहां भी जा सकते हो चले जाओ लेकिन मौत से जाए फरार नहीं है कहीं भी जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लो भाग सकते नहीं हो मौत से तुम्हारे पास जदीद किस्म की टेक्नोलॉजीज़ भी हैं सारा कुछ मौजूद है बड़ी तरक्की कर ली है तुमने ज़मीन के फर्श से चाँद तक सितारों सियारों और सूरज तक तुम्हारी साइंस पहुंच चुकी है इतनी तरक्की कर चुके हो लेकिन मौत से बच के दिखाओ अल्लाह अक्कमुल हाकिमीन ने फरमाया है कुरान पाक के इस मुकाम में فَرْمَيَا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ کائنات کے لوگوں سے کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی
इन्नल मौतल्लज़ी तफिरून मिन्हु फइन्नहू मुलाकीकुम। तुम किसी भी कायनात के कुदरे कोने में भाग जाओ, चले जाओ। तुम मौत की सख्तियों से, मौत के जाके से नहीं बच पाओगे। साल जियो, 2 साल, 100 साल जियो, 900 साल, 1000 साल जियो। जितना भी तुम जी सकते हो जी लो, एक दिन आने वाला है। फइन्नहू मुलाकीकुम, ये तुम्हें मिल कर के ही रहेगी, मौत से वास्ता पड़ के ही रहेगा। तुमसे पहले कितने आए, नज़र दौड़ा कर तो देखिए, नज़र पीछे मार करके तो देखिए। बाप मौजूद है तो दादा नहीं, दादा मौजूद है तो पर दादा जान नहीं मौजूद। अगर किस्मत से उसने इत्तफाक पर दादा मौजूद है तो उससे ऊपर की लड़ी तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं नज़र आएगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। इलाहुल आलमीन ने फरमाया, कायनात के लोगों सुन लो, जहां मर्जी छुप जाओ मौत से बचकर। बड़े ही पुख्ता और ऐसे घर बना लो, जहां पर हवा का भी दखूल ना हो सके। लेकिन जब वक्त अजल आ जाएगा, मौत का फरिश्ता हमारे हुक्म की तामील में हमारे इशारे से रूह कब्ज करने के लिए जब तैयार हो जाएगा, तुम कहीं भी छुप कर के देख लो, वहीं आकर के पाएगा। कितने तुमसे पहले जो लोग थे वो चले गए, वो तुम्हारे लिए जाए इबरत है। जा कर के देखो ना वो बादशाह, वो हुक्मरान जिनके सल्तनत में सूरज गुरूब नहीं हुआ करता था, इतना उरूज दिया गया उन हुक्मरानों को। लेकिन आज देखो, अगर उनकी कोई मरकत भी तुम्हें नज़र आ जाए, उनकी कब्र भी नज़र आ जाए, मिटे हैं नामियों के निशान। कैसे कैसे वो हुक्मरान चला करते थे, तो देखने के काबिल उनकी शानो शौकत हुआ करती थी। एक वक्त हुआ करता था जब चलते थे तो प्रोटोकॉल के साथ चला करते थे, अकेले चलना भी उनको महाल होता था, शान के खिलाफ हुआ करता था। लेकिन आज उनका हाल क्या है, गुरूर था नमूद थी, हटो बचो की थी सदा। गुरूर था नमूद थी, हटो बचो की थी सदा। और अब मैं तुम्हें क्या बताऊं के लहद का भी पता नहीं, रास्ते बंद हो जाया करते थे, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता था, दो दो तीन ट्रैफिक जाम हो जाया करती थी। पूछा जाता था क्या हुआ, क्यों रास्ते बंद हैं जी, वजीर आजम साहब ने आना है, प्रेसिडेंट साहब ने आना है, चीफ मिनिस्टर ने गुजरना है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहिब का गुजर कल परसों यहाँ से होना है, चीफ जस्टिस ने आना है, रास्ते आज ही बंद कर दिए गए हैं। रास्ते बंद हैं, लेकिन वो जो गुजर चुके हैं, आज उनका नाम लेने वाला कोई नहीं,
उनकी तो कब्र का भी पता नहीं, मरकत का भी पता नहीं है। इसीलिए तो कहा ना कि गुरूर था, नमूद थी, पैसा बहुत था, हाँ जी अप्रोच बहुत ज़्यादा थी, बहुत VVIP शख्सियत थी। लेकिन जब मौत का फरिश्ता आ गया, वक्त अजल आन पहुंचा है, तो अब उनका गुजरे हुए अब कई साल हो चुके हैं, उन लोगों को गुजरे हुए। अल्लाहु अकबर, जिनका तूती बोला करता था, जिनका कोई सानी नज़र नहीं आया करता था, जो बड़े फ़ख्री अंदाज में चला करते थे, गुरूर था, नमूद थी, हटो बचो की थी सदा। और अब मैं तुम्हें क्या बताऊं कि लहद का भी पता नहीं। इसलिए जब वो बादशाह नहीं रहे, वो हुक्मरान नहीं रहे, वज़ीर आज़म नहीं रहे, जिनकी शानों सल्तनत हुआ करती थी, शानों शौकत से रहने वाले नहीं रहे, तो गरीब गुराबा ने कब रहना है, जब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रहे, अल्लाह के प्यारे बंदे नहीं रहे, औलिया नहीं रहे, अदकिया नहीं रहे, सफिया नहीं रहे, सालिहीन नहीं रहे, तो फिर जो पीछे बचने वाले हैं, इन्होंने कब रहना है। कायनात में अगर किसी ने बचना होता तो वो इमामुल अंबिया, साकिये कौसर, शाफे महशर, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, जो बच सकते थे, हमेशा की जिंदगी पा सकते थे, हमेशा इस दुनिया में रह सकते थे, लेकिन उनको भी जाना पड़ गया। अब बाकी कौन है कि जो बच पाएगा, जिसको मौत ने नहीं दबोचना। रब्बे कायनात ने फरमा दिया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत। अल्लाहु अकबर, फरमाया कि हर जीरो ने मौत का ज़ायका चखना है। मेरे अजीज दोस्तों, ये मौत वाली हकीकत ऐसी अटल हकीकत है, कायनात के अंदर हज़ारों जो हैं मज़ाहिब पाए जाते हैं, हर मज़हब के अंदर करोड़ों इख्तलाफात भी नज़र आते हैं, किसी मसले के ऊपर जमा और इकट्ठ नहीं मिलता, लेकिन जब बात आती है मौत की तो सारे जमा नज़र आते हैं। हिंदू भी कहता है मर जाना है, सिख भी कहता है मर जाना है, ईसाई भी कहते हैं मर जाना है, यहूदी भी कहते हैं एक दिन आने वाला है, सब कुछ ख़त्म हो जाना है, सब ने जाना ही जाना है, सब ने जाना है, मुसलमान भी कहते हैं। वो दाहरिया जो अल्लाह को भी नहीं मानता, किसी मजहब का परस्तश करने वाला नहीं है, खुदा को भी नहीं मानता, मुस्तफ़ा को भी नहीं मानता, किसी को मानता ही नहीं है, वो अपनी अकल का पुजारी है, अपनी अकल को मानने वाला है। लेकिन जब बात मौत की आती है तो वो भी बोल उठता है कि मरना ही मरना है, बका किसी को नहीं है, बका किसको है। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फान, कुल्लु मन अलैहा फानी वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। रब्बे कायनात ने फरमाया, हर ज़ीरो ने मर जाना, फना हो जाना है, एक वक्त आने वाला है, चमकता दमकता आसमान का सूरज भी ख़त्म हो जाएगा, चांद भी बेनूर हो जाएगा, सितारे भी अपनी रोशनाइयाँ खो देंगे, पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे, ज़मीन भी ख़त्म हो जाएगी, समुंदर भी ख़त्म होने वाले
है, जिन भी ख़त्म होने वाले हैं, इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे, हत्ता के अल्लाह के फरिश्ते भी ख़त्म हो जाएंगे, और जो मलकुल मौत है, रूह कब्ज करने वाला है, जिसने हर एक रूह की रूह को निकाला है, एक वक्त आने वाला है उसकी भी रूह निकाल दी जाएगी, उसको भी मौत का जायका चखना पड़ जाएगा। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, सब ने हलाक हो जाना, सब ने ख़त्म हो जाना, बचना है तो तुम्हारे अकेले रब ने बचना है, तुम्हारे रब के अलावा किसी को बका नहीं है। आइए ना, इसीलिए तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ओ कायनात के लोगों, तुमने अकलमंद बड़े बड़े देखे होंगे, लेकिन मैं खुदा का पैगंबर, खुदा का महबूब हबीबे किबरिया तुम्हें बताता जाता हूँ कि असल में अकलमंद कौन है, दाना कौन है, दानश्वर कौन है, अल्लाहु अकबर से आना कौन है। वो से आना नहीं है जो जिंदगी आरजी जिंदगी के लिए तो को दो करता है, कमाता है तो इस जिंदगी के लिए, खाता है तो इस जिंदगी के लिए, जीता है तो इस जिंदगी के लिए, पहनता है तो इस जिंदगी के लिए, सोचता है तो इस जिंदगी के लिए, समझता है तो इस जिंदगी के लिए, फिक्र करता है तो इस जिंदगी के लिए, आरजी जिंदगी के लिए, जो चंद दिन की जिंदगी है, बताओ हयात दुनिया है। गुरूर भी अल्लाह ने कहा है, ये धोखे वाली जिंदगी है, ख़त्म होने वाली। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया को हासिल करने वाले को अकलमंद नहीं कहा, बल्कि क्या फरमाया, अल्कैसु मन दाना नफ्सहु आमिल लिमा बादल मौत। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम्हारे अंदर अकलमंद कौन है, वो शख्स अकलमंद है जो कल मौत के बाद वाली ज़िंदगी के लिए सोचता है, मौत के बाद वाली ज़िंदगी की फ़िक्र करता है, मौत के बाद वाली ज़िंदगी की तैयारी करता है। फरमाया वो अकलमंद है, क्योंकि जब मर जाना, खप जाना, हलाक हो जाना है, अल्लाहु अकबर, फिर अगली ज़िंदगी शुरू होनी है, वो हमेशा हमेश की ज़िंदगी, दो किस्म की ज़िंदगी वहाँ पर हो जानी है, या तो आग है, अजाब है, अल्लाह का गज़ब है, अल्लाह का गुस्सा है, जो हमेशा हमें सहना पड़ेगा कुछ बदबख्तों को, या फिर अल्लाह की खुशनूदी है, अल्लाह की जन्नत है, राहतों वाली, खुशियों वाली, अपनी मर्जियों वाली जन्नत है। अल्लाहु अकबर, दो किस्म की ज़िंदगी मरने के बाद, अब यही ज़िंदगी है, यही इम्तिहान गाह है कि हम उस आने वाले नतीजे की तैयारी आज करें। अगर ये रूह निकल गई, जान चली गई, सांसें उखड़ गई, मेरे अजीज़ दोस्तों, फिर कुछ भी नहीं पाया जा आएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं बच पाएगा, फिर सवाए हसरत के, सवाए नादानी के, और कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि रब्बे कायनात ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अगर वहाँ पर कोई शख्स ज़मीन भर के ख़जाने भी ले आएगा, आकर के कहेगा कि इलाहुल आलमीन, ये ख़जाने ले लीजिए, फिदियतन ले लीजिए, मैं फिदिया देता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, इलाहुल आलमीन ने फरमाया कि कोई तसव्वुर भी ना करे कि उसको फिर छोड़ दिया जाएगा। इसलिए आइए मौत की फिक्र कीजिए,
अज़ीज़ दोस्तों, साहिबो साथियों, मौत की फ़िक्र कीजिए, कब्र की फ़िक्र कीजिए, हशर की ज़िंदगी की फ़िक्र कीजिए, अपने रब को राज़ी कीजिए। अगर उसको राज़ी ना किया, सब को राज़ी कर भी लोगे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक तुम सब को छोड़कर अपने रब को राज़ी ना कर लो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह जब तक हम जिंदा है हालत इस्लाम पर, जब मौत आए हालत ईमान पर, आखिरी वक्त पे अल्लाह हम सब को कलमाए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तौफीक अनायत फरमाए। व अकूलु कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह लि वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन।